नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि बिहार की राजनीति कितनी ही गंदी और मतलब चरित्रहीन चल रही है। और जहाँ की इस कोरोना महामारी में हमारे पप्पू यादव काफी सपोर्ट कर रहे हैं जनता को, और जो भी गरीब होते हैं हर किसी को मदद करते हैं। यानी कि अगर आप उसके दरवाजे या फिर उससे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, चाहे ऑक्सीजन के लिए हो, चाहे वेंटिलेटर के लिए हो, चाहे आप कोरोना वैक्सीन के लिए हो, आपको वो चीज अवश्य ही मिलेंगी, इस बात की गारंटी है। और सबको पता है कि बिहार की राजनीति में पप्पू यादव एमपी तो छोड़िए एमएलए तक नहीं बन पाए हैं, क्योंकि आदमी की इस व्यवहारता के कारण आदमी सब सपोर्ट करता है, लेकिन वोटिंग के टाइम में जो है वो किसी इसको सपोर्ट नहीं करता है। जिसके कारण फिर भी पप्पू यादव आज ये नहीं देखते हैं कि जो भी उनसे मदद मांगने आते हैं कि आप बीजेपी समर्थक हो कि आप आरजेडी समर्थक हो, वो खुले दिल से उसका सम्मान करते हैं और उसका सपोर्ट करते हैं। और आज बिहार की राजनीति में देख लीजिए क्या हाल हुआ है कि पप्पू यादव को अरेस्ट कर लिया गया है, और उसमें भी इस संबित पात्रा जो है ये तो चमन चूतिया है, इस चमन चूतिया के चक्कर में यह हुआ है। तो याद रहे हम लोग बिहार की जनता हैं, हम लोग बोल रहे हैं। अभी मैं नहर पे हूँ, गांव की नहर पर से, और इस तरह से गांव की हर एक शहर और गांव की हर एक लड़का का आवाज निकलेगा कि पप्पू यादव को छुड़ाइए, और हैशटैग रिलीज पप्पू यादव का ट्रेंड चलवा रहे हैं। और सभी से मैं आग्रह करूंगा कि पप्पू यादव को अवश्य ही छोड़ने, और इसके लिए नहीं तो भारी कदम उठाना पड़ सकता है, आप लोगों को भारी ही किल्लत सहना पड़ सकता है। मैं बिट्टू भैया से आग्रह करूंगा कि बिट्टू भैया आकर के आप इस स्टेटमेंट पे आप कुछ अपना राय दें, जो कि हमारे बिट्टू भैया सीनियर हैं। आइए बिट्टू भैया, आप क्या बोलते हैं, इस पप्पू यादव को अरेस्ट कर लिया गया, आप क्या कहना चाहते हैं? पप्पू जी को अरेस्ट किया गया ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, जो इससे पहले जो अभी कुछ हुआ है जी, और इस पेंडेमिक में हाईकोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो इससे पहले ऑपरेशन करा चुके हैं, उनका ऑपरेशन हुआ एक महीने पहले, आपको पता होगा। तो उनका जो ये गिरफ्तारी इस पेंडेमिक में हुआ है ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखा था, लेकिन देश के चूतियों के हाथों में ये सारा कुछ सिस्टम चला गया है। तो इससे पहले हमारा पोस्ट आप देखेंगे, उस पोस्ट पे हमने लिखा था कि कानून रंडी है, नेता इसके पेशकार हैं और जज इसके मुंशी हैं, हमने कोई गलत नहीं लिखा था, और ये बात आज सिद्ध हो रहा है। आप देख सकते हैं कि बिहार में जो सेवा कर रहा है, जो सेवा दल है, जन अधिकार सेवा दल है, उनको जो है भोजन पानी बांटने से मना कर दिया गया है। जो पीएमसीएच में गरीब लोगों को, जो दूसरे जगह से आए हुए लोग थे इलाज करवाने के लिए, उनको जो फ्री में खाना दिया जा रहा था उस पर भी रोक लगा दिया गया है प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से। साथियों, हम तो यही कहेंगे कि इतना चीज होने के बावजूद तेजस्वी जी का एक ट्वीट भी नहीं आना, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और तेजस्वी जी को ये आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा, उसका जमीन पैरों से जमीन ना खिसका दिए हम कोसी वाले, तो फिर उनको कहिएगा कि माई का लाल है तो फिर यहाँ से जीत के दिखावे। काहे कि अभी जो जीता है वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जी का देन है कि वो इतना सीट 75 सीट लेके विपक्ष में खड़ा होकर सीना ताने हुआ है, वो इसका कमाया हुआ नहीं है, इसके बाप का कमाया हुआ है, लालू जी का कमाया हुआ है। और लालू जी जैसे ही मरेंगे तो उनको, आप लोग दोस्तों, आप लोग कोई मूर्ख नहीं है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, और मेरे ही बातों पे सिर्फ आप यकीन करेंगे। आप चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे स्वर्गीय अजीत सिंह जी 10 दिन पहले कोरोना से उनका मौत हुआ है, उनका परिवार को देख लीजिए कैसे अर्श से फर्श पे आके बिखरा पड़ा हुआ है, उसी प्रकार ये राजद बिखरा हुआ रहेगा। और कुत्ता नहीं पूछेगा इस राजनीतिक दल को, राजनीतिक पार्टी को, तेजस्वी यादव को, आप ये बात लिख लीजिए। और कोसी का हीरो है पप्पू यादव, हम लोग पप्पू यादव के साथ हैं, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। हम लोग रात में लगातार जन अधिकार पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से संपर्क में बने हुए हैं, जो करना होगा वो हम करेंगे। और एक बात तेजस्वी यादव, हम तुमको बता दे रहे हैं, तुम हमको नहीं पहचान रहे, आजकल थोड़ा दुबला गए हैं, जगदा बाबू से आप पूछ लीजिएगा हम कौन है, राघोपुरा के आपका कुर्सी खिंचवा देंगे, ठीक है ना। पटना में हम यही काम करते थे, पढ़े नहीं, बाप हमको यहाँ से पैसा भेजता पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है, जाके वहाँ पता करवा लीजिएगा मेरे बारे में, फोटो बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके देखिएगा। अच्छा, हम लोग एक बात और भी बता दे कि हम लोग आरजेडी सपोर्टर थे पहले, लेकिन अगर आप कोई भी पार्टी हो, अगर आप कोई पेंडेमिक में आप अगर मदद नहीं कर सकते हैं किसी को, तो आपको ये भी हक नहीं बनता है कि अगर कोई मदद कर रहा है तो उसका आप टांग खींचे। तो वही हुआ कि सब आदमी कोरोना महामारी में घर में सोया हुआ रहता है, और पप्पू यादव हर घर में हर गरीब के पास जाके मदद करता है, लेकिन उसमें अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, आप उसको ट्वीट नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो आप कौन सा नेता हुए? आप जाट का नेता हुए? हम लोग आप लोग आपको सपोर्ट करते थे तेजस्वी यादव, मधेपुरा का यादव हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग कोई नाम नाम नहीं बताएंगे।
और हम लोग एक ही समुदाय के हैं, हम लोग जात पात पे विश्वास नहीं करते, हम लोग नेता पे विश्वास करते हैं, जो जमीनी नेता रहेगा उसी को सपोर्ट करेंगे। हम लोग सपोर्ट किए थे उसको और पप्पू यादव को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको भी आगे आना पड़ेगा। और तेजस्वी भैया से भी आग्रह है कि अगर आप देख रहे हैं तो अवश्य ही, या उसके फैंस देख रहे हैं तो इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। और पप्पू यादव को रिलीज होना है, चाहे जो हो जाए, उसके लिए हम लोग को उतरना पड़ सकता है। अगर उसके लिए हम लोग को रोड पे उतरना पड़ेगा तो रोड पे उतर जाएंगे, इसमें कोई भी देरी नहीं करेंगे। हैशटैग रिलीज पप्पू यादव हर तरह का आप लोग भी ट्रेंड करवाइए ट्विटर पे, और कल भी हुआ था, और अपना पोस्ट भी कीजिए। और ये बात याद रखिएगा कि आपको कोई भी नेता काम नहीं देगा तो पप्पू यादव काम देगा, ये बात हकीकत है। आप उसके घर पे चले जाइए, हम भी गए थे, 24 घंटा आदमी उसके यहाँ आता है और मदद मांगने के लिए आता है, और डायरेक्ट पप्पू यादव फोन लगा के उसका सामने में मदद करता है। और आप ये भी देखिएगा कि एक भी दिन उसका रेस्ट नहीं किया जाता है, हर रोज वो मदद करता है, हर रोज, चाहे उसके पास वो जीते MLA बने न बने, वो मदद करता है। इतना बात याद रखिएगा कि जमीनी हकीकत पे अगर किसी कोई अगर कोई इंसान आपको साथ दे रहा है तो उसको आप भी विकट परिस्थिति में साथ दे। धन्यवाद, आप लोगों को बस इतना ही कहूंगा, नमस्कार। और हाँ, सभी भाई से विनती करूंगा कि अगर आप लोगों को कोई भी राय हो आप लोगों का कुछ भी, तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो को अवश्य शेयर करें अपने फैमिली मेंबर दोस्तों के साथ, प्लीज।